किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे आसपास और हम या हम अपने पास ही कहें कि कुछ ऐसी अनमोल चीज़ें होती हैं जिनका हम खेती में उपयोग करके बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, हमारी फसलों के अंदर। जो मार्केट से महंगे महंगे टॉनिक लाते हैं, इंसेक्टिसाइड लाते हैं, फंजीसाइड लाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर रिजल्ट उनके होते हैं, लेकिन हम उनके महत्व को, उनकी उपयोगिता को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती है, उनको कोई कंपनी प्रमोट नहीं करती है, उनके महंगे महंगे एड्स नहीं चलते हैं। तो हम इसलिए उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको हम नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि आज ज़माना वही है कि जिसके ऐड होते हैं महंगे महंगे, जब तक कोई सेलिब्रिटी किसी के फ़ायदे ना बताए या कोई महंगे महंगे एड्स टीवी पर ना आए या कंपनी कोई भी उसकी ब्रांडिंग ना करे, तब तक हम उसके महत्व को समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये इसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन हम जब एड्स आते हैं तो हम उसके महत्व को समझते हैं। आप सब जानते हैं कि जब कोई कंपनी किसी का ऐड वगैरह चलाती है तो उसके उतने बेनिफिट नहीं होते हैं, उससे अधिक बेनिफिट्स उसके बताए जाते हैं। एक्चुअल में उतने बेनिफिट्स होते नहीं हैं, लेकिन कुछ और ही हमें बताया जाता है। लेकिन जो चीज़ें बिजनेस में नहीं आती हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास फ्री में अवेलेबल हैं, उनके वो महत्व भी नहीं बताए जाते हैं जो एक्चुअल में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो हर किसान के पास फ्री में अवेलेबल है और जो बहुत ही बेनिफिशियल है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर देखिए, एज ए टॉनिक का काम करता है ये, एज ए फर्टिलाइजर का काम करता है, एज ए इंसेक्टिसाइड ये काम करता है, एज ए फंजीसाइड काम करता है, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए सेफ होता है, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर करता है। तो बहुत ही शानदार है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गौमूत्र के बारे में, काउ यूरिन के बारे में। देखिए, गौमूत्र यानी कि जो भी हम बात करेंगे गौमूत्र की, वो होगा देसी गाय का गौमूत्र। क्योंकि देखिए, रिसर्च में पाया गया है कि देसी जो गाय होती है और एक जो नस्ल की यानी कि हाइब्रिड नस्ल की जो गाय होती हैं, उसमें दोनों के गौमूत्र पर रिसर्च की गई, फसलों पर यूज किया गया, तो जो देसी काव का यानी कि देसी गाय का जो गौमूत्र था वो ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया, ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया एज कम्पेयर टू जो हाइब्रिड किस्म की जो गाय हैं उसकी तुलना में। तो इसलिए हालांकि वो भी बेनिफिशियल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो देसी गाय का गौमूत्र होता है, यूरिन होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम इसके तमाम फायदे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब देसी गाय का गौमूत्र यूरिन लेते हैं तो उसके अंदर होता क्या क्या है। देखिए, यूरिन के अंदर जो गाय का गौमूत्र होता है, गौमूत्र के अंदर 95% तो पानी होता है, तो 95% पानी होता है। और देखिए, इसके अंदर जो 2.5% इसके अंदर जो होता है वो यूरिया होता है। 95% पानी होगा, 2.5% इसके अंदर यूरिया होगा, और उसमें से फिर 2.5% इसमें जो होते हैं वो कुछ मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, कुछ साल्ट्स होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर 2.5% मात्र केवल यूरिया होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो काउ यूरिन होता है यानी कि गाय का मूत्र होता है, गौमूत्र जो होता है वो नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ देखिए, इसमें और भी मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी होते हैं, सल्फर इसके अंदर होता है, और भी तत्व होते हैं। उसके साथ साथ हॉर्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बेहतर करने का काम करते हैं। देखिए, रिसर्च में पता चला कि जब हमने गौमूत्र का जो 5% गौमूत्र लिया, 5% का यानी कि 100 लीटर में 5 लीटर गौमूत्र मिलाकर, 100 लीटर पानी में 5 लीटर गौमूत्र मिलाकर फसलों पर स्प्रे किया, या 10% वाला जो सॉल्यूशन है वो तैयार किया, यानी कि 100 लीटर में 10 लीटर गौमूत्र डालकर वो स्प्रे किया, तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट देखे गए। इसके जो रिमार्केबल जो ग्रोथ है पौधे में वो देखी गई जब हमने स्प्रे किया इसका, काउ यूरिन का गौमूत्र का, देसी गाय का जो गौमूत्र है। तो इससे क्या हुआ कि पौधे में एक तो ग्रीनिश देखा गया, यानी कि पौधे हरे भरे देखने को मिले, पौधे की हाइट इंक्रीज हुई, यानी कि जिस पे स्प्रे नहीं किया गया और एज कम्पेयर टू जिस पे स्प्रे किया गया, उसकी जो प्लांट की हाइट थी वो तेजी से बढ़ी, हाइट ज़्यादा बढ़ी, पत्तियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ लीव्स, वो भी ज़्यादा देखने को मिली पर प्लांट, और पत्तियों का जो साइज है वो भी बड़ा देखने को मिला, यानी कि पत्तियां चौड़ी देखने को मिली और उनकी लेंथ भी बढ़ गई। ऐसा होने से क्या हुआ कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बेटर हुई, पौधे में फोटोसिंथेसिस अच्छा हुआ, और पौधे की जो प्रोडक्शन है ओवरऑल उसमें इजाफा देखने को मिला, यानी कि
अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। बायोमास में के साथ साथ जो हमारे ग्रेन्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उसमें भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली, यील्ड भी बेहतर देखने को मिली, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। देखिए ये जो हमारा नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा सोर्स है, तो क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है उसकी वजह से इसके जो स्प्रे से जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलती है। अब देखिए स्प्रे आप कब ले सकते हैं, स्प्रे ले सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज में। तो वेजिटेटिव स्टेज में आप इसका स्प्रे करके देखिए, पहला तो ये फर्टिलाइजर टॉनिक का काम करेगा कि जो मैंने फायदे बताए, फसलों की ग्रोथ अच्छी आएगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, पत्तियों की संख्या ज्यादा होगी, पौधा हमें हरा भरा देखने को मिलेगा। स्प्रे कितना लेना है, 5% का 10% का आप ले सकते हैं, यानी कि 100 लीटर में 5 लीटर गौमूत्र डाल के स्प्रे कर सकते हैं, या 100 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र डालकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और देखिए जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि गौमूत्र को कम से कम 14 दिन तक एक ठंडी जगह पर रख लें, जो आपने काउ यूरिन लिया उसको 14 दिन तक ठंडी जगह पर रखें, और 14 दिन बाद आप 14 डेज बाद आप स्प्रे करें, तो ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी वर्क करता है। तो इससे क्या है, देखिए ये टॉनिक का काम तो करेगा ही, उसके साथ साथ जो कीट हैं कीटों को दूर भगाने में हेल्प करता है, स्पेशली जो हमारे सकिंग पेस्ट होते हैं उनको दूर भगाता है और भी कीटों को दूर भगाता है, तो एज ए इंसेक्टिसाइड भी काम करता है। और इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप कुछ पत्तियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं, खाली चाहे तो स्प्रे ले सकते हैं। कुछ पत्तियां और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो जैसे नीम की पत्ती आप ऐड कर सकते हैं 1 kg इसके अंदर, या आप धतूरे के पत्ते 1 kg, भांग के पत्ते 1 kg, तो ऐसे 2-3 प्लांट के जो पत्ते हैं वो 1 kg ला करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उनको आप 1-1 किलो लें और बारीक कूट के गोमूत्र के अंदर डाल लें और 10-12 दिन तक या 14 दिन तक ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद छान कर स्प्रे करें, और भी बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, और भी बेहतर टॉनिक का और फर्टिलाइजर का और कीटों को भगाने का काम करेगा। और देखिए गौमूत्र के स्प्रे से एक और जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिला कि जब गौमूत्र का स्प्रे किया गया तो इसने जो फंगल जो इन्फेक्शन होता है, यानी कि वो जो पैथोजन होता है, उसकी ग्रोथ को भी इन्वेड किया, यानी कि उसकी ग्रोथ को भी रोका, उसको डेवलपमेंट को रोका, जिससे रोगों का खतरा भी कम देखने को मिला जिस पर हमने गौमूत्र का स्प्रे किया। तो स्प्रे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए इसका एक और बेनिफिट हमें देखने को मिला कि यदि हम सॉइल में भी इसको चलाते हैं, मिट्टी में जो चलाते हैं वो हम चलाते हैं 30 से लेकर के 45 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ मिट्टी में चला सकते हैं खड़ी क्रॉप में। तो उससे क्या है कि एक तो डैम्पिंग ऑफ का खतरा कम देखने को मिला, यानी कि जो डैम्पिंग ऑफ वाली फंगस है उसको कंट्रोल किया, रूट रॉट वाली, फ्यूजनियम विल्ट वाली जो फंगस है उसको इसने मिट्टी के अंदर कंट्रोल किया, तो उसका जो इन्फेक्शन है रोगों का वो कम देखने को मिला जब गोमूत्र हमने चलाया जमीन में। तो ये उस फंगस जनित रोगों को कम करता है, उसके साथ साथ फसलों की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली, और उसके साथ साथ फसलों की अच्छी ग्रोथ के साथ साथ इसके जमीन में चलाने से इस देखा गया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बेहतर होती है, क्योंकि मिट्टी में जो जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें कार्बन बढ़ता है, तो मिट्टी ओवरऑल बेहतर होती है जब हम इसका उपयोग जमीन में करते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है, रोगों को कंट्रोल करता है, कीटों को कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं, मिट्टी को अच्छा रखता है, तो हमें ज़रूर इसको उपयोग आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हर फार्मर के पास इजीली अवेलेबल है और बहुत उपयोगी होता है, हमें जरूर उपयोग करना चाहिए। देखिए ये यूरिया का ऑर्गेनिक सोर्स होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का। देखिए यदि हम एक काउ यानी कि एक गाय किसी के घर में है देसी गाय, तो 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 6 लीटर गौमूत्र यानी काउ यूरिन उससे प्राप्त हो सकता है, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 6 लीटर अप्रॉक्स इतना मिलता है। यदि हम 2 गाय रखते हैं तो 2 गायों से हमें 12 लीटर जो गौमूत्र है वो प्राप्त होगा पर डे, यानी कि अगर 2 गाय कोई किसान पालते हैं तो वो पर डे 12 लीटर गौमूत्र एकत्रित कर सकते हैं, इतना प्राप्त उनको इजीली हो जाएगा। और देखिए यदि हम 12 लीटर की 365 में हम गुणा करें एक साल में, तो वो आता है लगभग 4380 लीटर जो गौमूत्र है वो हमें साल में मिल जाएगा। अब देखिए 4380 लीटर गौमूत्र में जो नाइट्रोजन परसेंटेज होगी यानी कि नाइट्रोजन टोटल होगी वो होगी 65 kg, यानी कि हमें 65 kg नाइट्रोजन वहाँ से मिल जाएगी। अगर हम इसको यूरिया में कन्वर्ट करें नाइट्रोजन को, तो उससे हमें लगभग 140-142 kg यूरिया की प्राप्ति होगी, यानी कि इतना kg यूरिया हमें इजीली मिल रहा है इतना जो गौमूत्र उसको कलेक्ट करने से।
अब देखिए ये 140 से 142 केजी यूरिया आपके 2 एकड़ खेत के लिए बहुत पर्याप्त है। और देखिए ये जो आपको यूरिया मिल रहा है यानी कि नाइट्रोजन का जो सोर्स मिल रहा है वो एकदम ऑर्गेनिक मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको यूरिया डालना पड़ रहा है। यूरिया डालने से हमारी मिट्टी दूषित हो रही है, हमारे जो जीवाणु है वो खत्म हो रहे हैं मिट्टी के अंदर, और मिट्टी दूषित हो रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, मिट्टी बंजर होने की कगार पर है। और यूरिया डालने से रोग और कीट ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें फसलों में। जितना ज़्यादा आप यूरिया डालेंगे उतने ही ज़्यादा रोग और कीट आपकी फसलों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिससे आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड स्प्रे करते करते थक जाएंगे और कंट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो मिल रहा है हमें नाइट्रोजन का सोर्स एकदम ऑर्गेनिक मिल रहा है, वो कीटों को भी कंट्रोल करता है, रोगों को भी कंट्रोल करता है, यानी कि रोगों और कीटों को कम करता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, जो मिट्टी हमारी खराब हो रही है पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब या बहुत सारे किसान भाई ये भी सोच सकते हैं ना कि यूरिया हमें ज़्यादा महंगा तो मिलता नहीं है, 290 या 300 रुपये का हम एक बैग मान सकते हैं, 300 रुपये का एक बैग मिलता है, तो 900 रुपये का हमें साल में खर्चा पड़ता है, तो वो इजी होता है। लेकिन हम गोमूत्र इकट्ठा करेंगे उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, साल भर हमें एकत्रित करना पड़ेगा। लेकिन वो जो आप ले रहे हैं वो ठीक है, आपको उतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा है इसलिए डाल रहे हैं, लेकिन आपकी भूमि को बंजर कर रहा है, कीटों रोगों को बढ़ा रहा है आपके खेत के अंदर, उत्पादन को कम कर रहा है, मिट्टी लगातार बंजर हो रही है, मिट्टी की कंडीशन बिगाड़ रहा है। लेकिन वहीं पर जो गोमूत्र है वो बेनिफिशियल ही बेनिफिट है, उसके कोई नुकसान नहीं है, बेहतर मिट्टी को कर रहा है, कीटों व रोगों को भी कंट्रोल कर रहा है और हमारे उत्पादन को बढ़ा रहा है, तो ये जरूर उपयोग करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं जो यूरिया आप दे रहे हैं उसकी डोज कम कर दें बस, और उसके साथ साथ गौमूत्र भी ऐड कर लें, तो इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे कि जो दुष्परिणाम हो रहे हैं यूरिया के उपयोग से। मान लीजिए आपने आधा यूरिया भी कर दिया तो आधा यूरिया कम करने से बहुत मिट्टी बेहतर होती चली जाएगी, साथ में आप गौमूत्र ऐड कर रहे हैं तो मिट्टी को और फर्टाइल बनाता चला जाएगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो आप इस तरीके से उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।